पंचकुला पहुंची मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाली मानिका शोकन। अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पंचकुला निवासी मानिका शोकन आज पंचकुला सेक्टर 20 स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंची। उन्होंने हरियाणा की तरफ से हिस्सा लेते हुए यह खिताब जीता है। यह पूरे हरियाणा में पंचकुला के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर शहर के काफी गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर मानिका शोकन ने पहुंचकर क्या कहा। मैम बाइक कर लीजिए प्लीज। मैम हरियाणा की बेटी बनने के बाद आप हरियाणा में दोबारा ताज लेके आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा की बेटियों में बहुत दम है, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, का मौका देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कहाँ निकल जाए। तो इसके बाद क्या अगला प्रेजेंट है, उसकी कैसी तैयारियां चल रही है, कैसी तैयारियां कर रही है? बहुत जोर शोर से चल रही है। मतलब अब इंटरनेशनल पेजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो अपना पूरा बेस्ट देंगे। तो इसमें परिवार का कैसा सहयोग रहा मैम? पूरा सहयोग रहा। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। मेरे माँ बाप, पूरे मामू मामी सबने, मेरी बहन, मेरे मेंटर सबने मेरा पूरा साथ दिया। कभी नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकती। जब मेरे को मेरे पे विश्वास नहीं हुआ था तो उन्होंने मेरे को मेरे पे विश्वास दिया। तो इसका श्रेय किस सफलता का श्रेय किसको देंगी मैम? तो हरियाणा की बेटियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी मैम? हाँ, अपने ऊपर भरोसा करो, काम करो और आप बहुत आगे निकल सकते हो। अपने पे कभी भरोसा मत करना चाहूंगा। तो मानुषी शीलर मिस वर्ल्ड का किताब लेके आई थी, तो कुछ दबाव महसूस कर रही है इसके कारण? बिल्कुल नहीं, उन्होंने मेहनत करी, वो डिजर्व करते थे, वो लेकर आई। मैं पूरी मेहनत करूंगी और अगर मैं डिजर्व करूंगी तो मैं भी लेकर आऊंगी। तो एक और किताब हरियाणा में आने वाला है मैम? बिल्कुल। थैंक यू सो मच।